भारत धीरे धीरे हर एक सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहा है, जिससे पूरी दुनिया के सामने भारत एक नई ताकत के रूप में उभर रहा है। भारत में डिजिटल माध्यम भी इस्तेमाल के तौर पर बढ़ने लगा है। इससे भारतीय ऐप्स को काफी फायदा हो रहा है। इसी वजह से भारत की सबसे बड़ी मर्चेंट पेमेंट कंपनी भारत पे को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। भारत पे ने आज घोषणा की है कि वो मर्चेंट यूपीआई भुगतान स्वीकृत करने वाली तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। नवंबर महीने में कंपनी के जरिए 3,334 करोड़ रुपए यानी 479 मिलियन यूएस डॉलर का लेन देन हुआ है। उसके साथ ही भारत पे ने गूगल पे को भी पछाड़ दिया है। भारत पे के जरिए नवंबर 2020 में 6.15 करोड़ के ट्रांजेक्शन हुए हैं। भारत पे ने अप्रैल 2020 से यूपीआई P2M मर्चेंट पेमेंट स्वीकृति श्रेणी में अपनी बाजार हिस्सेदारी दोगुनी कर दी है। भारत पे ने नवंबर 2020 में लेन देन की हिस्सेदारी कुल बाजार मूल्य के 5% रही, जबकि कुल ट्रांजेक्शन में इसकी हिस्सेदारी 7% रही। आपको बता दें कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पेटीएम ने मर्चेंट ट्रांजेक्शन यानी व्यापारिक लेन देन पर किसी भी तरह का कोई भी शुल्क ना लेने का फैसला किया है। कंपनी अब बिना किसी शुल्क के मर्चेंट पार्टनर्स को पेटीएम वॉलेट, यूपीआई ऐप्स और दूसरे कार्ड से पेमेंट स्वीकार करने की अनुमति देगी। इसके साथ ही 5 नवंबर को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने एक प्रेस रिलीज जारी करके थर्ड पार्टी ऐप्स प्रोवाइडर्स की ओर से चलाई जाने वाली यूपीआई पेमेंट सर्विसेज पर 1 जनवरी 2021 से 30% कैप लगाने का फैसला लिया है। इस नियम के लागू होने के बाद गूगल पे, अमेजॉन पे, फोन पे और फोन पे जैसे थर्ड पार्टी ऐप्स प्रोवाइडर्स के ग्राहकों पर असर पड़ेगा। 30% कैप तय करने से अब गूगल पे, अमेजॉन पे और फोन पे जैसी कंपनियां यूपीआई के तहत होने वाली कुल ट्रांजेक्शन में अधिकतम 30% ट्रांजेक्शन का ही इंतजाम कर सकेंगी। NPCI ने यह फैसला भविष्य में किसी भी थर्ड पार्टी ऐप्स के एकाधिकार रोकने और उसे साइज के हिसाब से मिलने वाले विशेष फायदे से रोकने के लिए किया है।